हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। आई एम ललित सोनी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। हाँ तो बेटा, स्वागत है आपका गुरु नीति 180 वर्सेस 180 श्रृंखला के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए श्रृंखला जो फुली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आप समझ रहे बेटा कि अपन डिस्कस कर रहे थे प्लांट एनाटॉमी, यानी जो एडवांस प्लांट ग्रुप है, एंजियोस्पर्म प्लांट है, आवर्तबीजी पादप है, उन पादप अंगों और उनके उत्तकों की आंतरिक संरचना और संगठन का अपन अध्ययन कर रहे थे। तो अपन प्लांट एनाटॉमी फर्स्ट डिस्कस कर चुके थे, आज अपन डिस्कस करेंगे प्लांट एनाटॉमी सेकंड। और प्लांट एनाटॉमी सेकंड में जो अपना टॉपिक होगा टिश्यू सिस्टम, उत्तक तंत्र, एंड देन आप जानते हैं कि जो प्लांट ऑर्गन्स होते हैं, जड़, तना, पत्ती यानी रूट, स्टेम, लीव्स, उनके आप जानते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी उनकी प्राइमरी स्ट्रक्चर में टिश्यू कैसे एस्टेब्लिश होते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उस सब चीजों का अपन बात यहां पर करेंगे। बिल्कुल, तो कुछ बातें अपन जनरल देख लेते हैं, उसके पश्चात आप ध्यान दीजिएगा बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, एक टॉपिक आपका होता है टिश्यू सिस्टम, उत्तक तंत्र। तो आप समझ रहे हैं, देखिएगा कि एक टॉपिक आपका होता है टिश्यू सिस्टम, मतलब कोई भी जो प्लांट है उसमें कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं और ये टिश्यू मिलकर किस तरीके से अपना वर्क करते हैं। बिल्कुल, तो उत्तक तंत्र। बिल्कुल, तो जो साइंटिस्ट वॉन सैक है उसने पोजीशन के बेसिस पे टिश्यू सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ईटीएस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड इज जीटीएस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एंड थर्ड इज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम वीटीएस। जो प्लांट का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, जो ऑर्गन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें पोजिशन के बेसिस पे 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बिल्कुल क्लियर। और वैसे अपन कहेंगे, अपने कहा था ना कि मेरिस्टेम से सब कुछ डेवलप हुआ है, तो जैसे फंक्शन के बेसिस पे मेरिस्टेम को बताया था कि जो प्रोटोडर्म है वो एपिडर्मिस या उसके अपेंडिज को डेवलप करता है, जो ग्राउंड मेरिस्टेम है वो जीटीएस को डेवलप करता है, जो प्रोकेम्बियम है वो वीटीएस को डेवलप करता है, प्रोकेम्बियम। क्लियर। अब आप समझ सकते हैं बेटा कि ईटीएस में क्या क्या इंक्लूड है। तो मेनली तो ईटीएस में होता है सिंगल लेयर, जो पेरेंट काइमेटा सेल्स की लेयर होती है एपिडर्मिस। अब हर प्लांट ऑर्गन पे आउटरमोस्ट क्या होगा, एपिडर्मिस ही होगा, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे रूट हो, आउटरमोस्ट जो लेयर होती है एपिडर्मिस होती है, वो सिंगल लेयर होती है, सिंगल पेरेंकाइमेटस। ऐसे आप जानते हैं कि टेंजेंशियल सेल्स की स्पर्श रेखीय सेल से बनी होती है। क्लियर। अब अपन बात करें कि एपिडर्मिस और उसकी जो अपेंडिज है, तो जो भी रूट हेयर है, जैसे रूट के एपिडर्मिस पे रूट हेयर है, रूट हेयर का फॉर्मेशन एपिडर्मिस ही करती है। बिल्कुल, तो रूट हेयर इज इंक्लूडेड इन एपिडर्मल टिश्यू। भाई जो भी रूट की एपिडर्मिस है, तो ये देखो यूनिसेलुलर होते हैं ओलियो, जो ये इस एपिडर्मल सेल का एलोंगेशन है रूट हेयर। क्लियर। ऐसे अपन बात करते हैं कि जो स्टेम की एपिडर्मिस होती है, तो उस पे आप जानते हैं कि ट्राइकोम या स्टेम हेयर हो सकता है, पीछे से आपका आएगा जो है वो मल्टीसेलुलर होगा और ब्रांच होगा। हां, यूजुअली वो मल्टीसेलुलर पॉसिबल है, तो स्टेम हेयर ट्राइकोम हो सकता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जैसे लीफ की एपिडर्मिस है, तो उस पर स्टोमेटा है, बुलिफॉर्म सेल्स है, क्यूटिकल, ये सब किस में इंक्लूड होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। क्लियर। उसके पश्चात अपन बात करें कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है, तो एक्सेप्ट एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को छोड़ दो, एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम यानी जाइलम फ्लोर को छोड़ दो, वैस्कुलर बंडल को आप छोड़ दो। तो इनको एक्सेप्ट करने के बाद जो प्लांट का बल्क पार्ट है, बिल्कुल जो मेन पार्ट है, बल्क पार्ट है, फिर मैं लिख देता हूं बल्क पार्ट, वो यहां पर जीटीएस जो मेन प्लांट गर्थ है, वो आप जानते हैं कि ग्राउंड टिश्यू है, यानी बिलो एपिडर्मिस। जैसे डाइकोट स्टेम में बात करें तो हाइपोडर्मिस होगी, फिर जनरल कॉर्टेक्स आपका हो गया, और फिर आप समझ सकते हैं कि एंडोडर्मिस, इनर मोस्ट आपकी कॉर्टेक्स का लेयर हो गया। क्लियर। और आप जानते हैं हाइपोडर्मिस है, जनरल कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, पित है, पित्रेज है, पित्रेज, बिल्कुल जो भी, ये सारा तो हो गया, मतलब एपिडर्मिस और जाइलम फ्लोएम को छोड़ के जो भी बच गया, बिल्कुल वो जीटीएस में, वो जीटीएस है। जैसे फ्रूट का जो पल्प है, ये केवीपीआई में क्वेश्चन आया था, बिल्कुल फलों का गुद्दा भी किसमें इंक्लूड होगा, जीटीएस, जीटीएस में। जैसे लीफ का मेसोफिल है, लीफ का जीटीएस क्या है, मेसोफिल, जो प्रण मध्य तक आपका होता है वो क्या है, जीटीएस। बिल्कुल। और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आप समझ सकते हैं कि जो प्रोकेम्बियम से डेवलप हुआ है, उसमें जाइलम फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, और अपन कहते हैं कि जाइलम फ्लोएम टुगेदर फॉर्म वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल। तो आप समझ सकते हैं कि वो अपन बात करेंगे वैस्कुलर बंडल की। अब देखिएगा कि नीट एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वैस्कुलर बंडल का यहां से आता है, मैं आपको समझा देता हूं कि वीबी क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं। तो देखिएगा बेटा कि जो वैस्कुलर बंडल है, सवन पुल, इनके आप एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक की बात करते हैं। तो वैस्कुलर बंडल अपन कहते हैं कि जाइलम फ्लोएम टुगेदर फॉर्म वीबी, बिल्कुल वैस्कुलर बंडल। अब ये तो आपके समझ में आ गया कि इसमें जाइलम फ्लोएम एक साथ है, बिल्कुल तब आपके सवन पुल बन रहे हैं। अब देखिएगा कि मेनली ये वीबी फर्स्ट ऑफ ऑल 3 टाइप के आपके होते हैं, रेडियल वीबी,
अगर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर होते हैं उसको बोलते हैं रेडियल। हाँ, और ये आपके हो गए कॉन्जॉइंट वीवी। बिल्कुल, अगर जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस के ऊपर है वो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। कंसेंट्रिक वीवी, अगर किसी एक वेस्कुलर टिश्यू को दूसरा वेस्कुलर टिश्यू चारों तरफ से घेर रहा है तब वो आ गया कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर। कंसेंट्रिक वीवी हो गया, सेकेंडरी समान पुल आपका हो गया कंसेंट्रिक वीवी। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, पहले तो एक कंसेप्ट आपके दिमाग में बसाना है कि भाई जाइलम फ्लोएम एक साथ है टुगेदर है तो वीबी है। बिल्कुल, वो रेडियली में भी जाइलम फ्लोएम टुगेदर एक साथ है। एक तो देखिएगा कि ये आपके दोनों एक साथ हैं। क्लियर। और एक आप जानते हैं कि ये भी एक साथ है, एक के ऊपर एक है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सीधी सी बात हो गई कि भी इसमें जाइलम फ्लोएम एक साथ है, जाइलम फ्लोएम टुगेदर, बट दे लाइज ऑन डिफरेंट रेडियस इन अल्टरनेट मैनर, तो वो अलग अलग त्रिज्या पे है और एकांतरित रूप में है। बिल्कुल, तो देखिएगा कि जैसे ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम, तो जाइलम हो गया, फिर आप समझ सकते हैं फ्लोएम, फिर प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, फिर फ्लोएम, फिर प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, फिर फ्लोएम, फिर प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, और फिर आपका क्या हो गया? फ्लोएम। फ्लोएम हो गया। क्लियर। देखिए अपन यहां कह सकते हैं कि साहब इस रेडियस पर तो कौन आ गया? जाइलम, और इस रेडियस पर क्या आ गया? फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम टुगेदर एक साथ है बट डिफरेंट रेडियाई। क्लियर। और प्रोटोजाइलम लाइज ऑन पेरिफेरल रीजन, मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड सेंटर। तो ये एक्सार्ग जाइलम है। जाइलम की कौन सी कंडीशन है? एक्सार्ग जाइलम। प्रोटोजाइलम का मतलब होता है वो जाइलम जो पहले बन जाए वो प्रोटोजाइलम है, जो बाद में बने वो मेटाजाइलम है। तो रेडियल वीवी ऑलवेज ऑलवेज इसका आपका आंसर होगा कि चाहे डाइकोट रूट हो चाहे मोनोकोट रूट हो, बिल्कुल ऑलवेज इन रूट्स आप जानते हैं कि क्या होगा? रेडियल वीवी होगा, रेडियल और एक्सार्ग जाइलम होगा। ये कॉमन है, आप समझ रहे हैं, ये रेडियल वीवी की बात होगी। अब कंजॉइंट का मीन क्या हो गया कि जाइलम फ्लोएम साथ हैं बट ऑन सेम रेडियस। बिल्कुल, सेम रेडियस। तो सेम रेडियस का मीन होता है कि एक ही त्रिज्या पे है, तो कंजॉइंट आपके हो गए। अब कंजॉइंट आगे जाकर आप जानते हैं कि जो कोलेटरल होता है, कोलेटरल या बाई कोलेटरल आपका हो जाएगा। बिल्कुल, तो जो कोलेटरल होता है फिर वो आगे जाकर आप जानते हैं कि मे बी ओपन और मे बी क्लोज ऑन द बेसिस ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम, तो आप समझ सकते हैं कि कोलेटरल का मीन क्या होता है। पहले कंजॉइंट का मीन होगा कि जाइलम फ्लोएम टुगेदर ऑन सेम रेडियस एक ही त्रिज्या पे। फिर कंजॉइंट का मीन, यहां कंजॉइंट कोलेटरल का मीन क्या होता है कि आउटर फ्लोएम होगा, आउटर फ्लोएम, और आप जानते हैं कि इनर क्या होगा? जाइलम होगा। क्लियर। अब आउटर फ्लोएम है, आउटर फ्लोएम है, और आप समझ सकते हैं कि भाई आउटर आपका फ्लोएम है और यहां इनर आपका क्या है? जाइलम है। बिल्कुल। क्लियर। तो ये तो फ्लोएम हो गया और ये आपका क्या हो गया? जाइलम। और यहाँ क्या है? कैम्बियम। मतलब जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाती है। तो देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, दोनों सेम रेडियस में है तो कॉन्जॉइंट, फिर कोलेटरल आउटर फ्लोएम इनर जाइलम, तो कोलेटरल, फिर ओपन फ्लोएम एंड जाइलम के बिटवीन आप समझ सकते हैं कि कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग ओपन हो गया, और अगर कैम्बियम रिंग नहीं है तो क्या हो गया? क्लोज हो गया। बाइकोलेटरल का मीन होता है कि दोनों साइड, दोनों आउटर साइड आप जानते हैं कि फ्लोएम हो, और यहाँ भी फ्लोएम, यहाँ भी फ्लोएम, यहाँ आपका जाइलम हो, और यहाँ दो कैम्बियम रिंग, ये तो ऑलवेज ओपन होते हैं। बाइकोलेटरल जो होते हैं ऑलवेज ओपन ओपन रहते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे आप तो फ्लोएम, उसके बाद जाइलम, उसके बाद फिर से क्या आ गया? फ्लोएम। फ्लोएम आ गया। कंसेंट्रिक वीवी आपने बताया कि यहाँ एक जो वेस्कुलर टिश्यू होता है वो बिल्कुल जो सेकेंड है उसको कंप्लीटली कवर करता है। बिल्कुल, रिंग फॉर्म में। जैसे ये अपन बात रहे कि यहाँ आपका क्या हो गया? ये आपका फ्लोएम हो गया, और यहाँ सेंटर पे आपका क्या हो गया? जाइलम। बिल्कुल, तो ये हेंड्रोसेंट्रिक हो गया, है ना। और ये आप जानते हैं कि जाइलम, चलो तो जाइलम बीच में फ्लोएम, लेप्टोसेंट्रिक हो गया। लेप्टोसेंट्रिक, लेप्टो का मतलब फ्लोएम से, हेड्रो का मतलब जाइलम से। जाइलम से हो गया। क्लियर। और तो ये आपकी सारी बात हो गई बेटा। अब जानते हो ये रूट्स में होते हैं। हाँ, ये कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन इन डाइकोट स्टेम ओनली, डाइकोट स्टेम में होता है। क्लियर। और ये जो कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज, ये आप जानते हैं मोनोकोट स्टेम में होता है। मोनोकोट तो स्टेम में और लीव्स में, चाहे डाइकोट हो चाहे मोनोकोट हो। तो ऐसे आप बहुत अच्छे से आप अध्ययन कर लीजिएगा। ये बाइकोलेटरल आप जानते हैं कुकुरबिटेसी में आपका होता है, कंसेंट्रिक ब्रेसिना में युका में होता है, फ्रंट में, इनमें आपके होते हैं, जो अलग अलग दोनों के टाइप बता के होते हैं वो आपको पूरा आपको देखना है, उसका विवरण है ना। तो ये वीवी का एक कंसेप्ट है। क्लियर। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ पे। तो क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, These three types of vascular bundles A, B, C are present in respectively. तीन प्रकार के सोनपुल A, B, C क्रमशः किसमें पाए जाते हैं? तो फर्स्ट को आप देखिएगा, आपको रेडियल वीवी दिख रहा है। देखो यहाँ पे जाइलम इस रेडियस पर है,
फ्लोएम्बियस रेडियस अलग अलग रेडियस के ऊपर हो गए। और वो देखो ये प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम। तो एक्सार्क जाइलम मैंने क्या कहा था, जाइलम की कौन सी कंडीशन, एक्सार्क भाई आदि दारुक, बिल्कुल है ना, यानी प्रोटोजाइलम परिधि की ओर, मेटाजाइलम सेंटर की ओर। देखो इसको यहाँ पे चौड़ा किया गया क्योंकि इसकी गुहा चौड़ी होती है, बिल्कुल प्रोटो की गुहा सकड़ी होती है, बिल्कुल। तो देखो यहाँ बेटा देखिएगा कि जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम एक साथ तो है डिफरेंट रेडियाई पे, तो रेडियल भी हो गए ना। यहाँ देखिएगा आउटर फ्लोएम आपका, बिल्कुल इनर आपका जाइलम है और सेम रेडियस पे है, तो ये कौन कौन जॉइंट है, कोलेटरल है लेकिन क्लोज है, कौन जॉइंट, कोलेटरल क्लोज, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई भी कैम्बियम नहीं पाई जाती, इस कारण से क्लोज हो गया। ये आपका क्या हो गया, आउटर देखो फ्लोएम है तो कौन जॉइंट और फिर कोलेटरल, सेम रेडियस पे तो कौन जॉइंट फिर कोलेटरल आउटर फ्लोएम है, फिर ओपन है क्योंकि यहाँ पर क्या है कैम्बियम प्रेजेंट पाई जाती है। और ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में कई बार आ गया कि ओपन क्योंकि यहाँ कैम्बियम है और वो आपका है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, बिल्कुल एकमात्र ऐसी कैम्बियम जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को शो करती है। यस, अब आप देखिएगा कि यहाँ ये एग्जांपल किसके हैं, तो देखो स्टेम नहीं हो सकता, रूट लीप नहीं, रूट स्टेम लीप नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रेडियल वी भी किसमें है, रूट में है, और मोनोकोट स्टेम एंड लीप में आपका कौन सा है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज, और ओनली एंड ओनली डाइकोट स्टेम में आपका कौन सा है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन हो गया, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन, बिल्कुल। तो ऐसे आप बेटा इस कंप्लीट वैस्कुलर बंडल का यहाँ पर आप कंसेप्ट क्लियर कर लें और हमेशा के लिए आप अपने बातें अपने डाउट्स को यहाँ मिटा लें। और वीपी के पहले थ्री टाइप, रेडियल, फिर कंजॉइंट, कंजॉइंट में कोलेटरल क्लोज ओपन, और फिर आपका एक टाइप होता है कंसेंट्रिक, बिल्कुल। तो इस वेर के अंदर आप बहुत अच्छे से पढ़े, देखिएगा अपन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। वैस्कुलर बंडल्स आर रेफर्ड टू एज रेडियल लाइक इन रूट बिकॉज सेवन पुल अरिय प्रकार के जैसे मूलों में कहलाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर और डिफरेंट रेडियस, बिल्कुल वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर और डिफरेंट रेडियस, जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर एंड सेम रेडियस, ऑल ऑफ दिस। तो पर यहां पे कह सकते हैं आंसर इसका आपका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट बिल्कुल भाई, कैसे हो गया अभी तो आपको समझाया है ना, बिल्कुल। यहाँ बच्चे कई कंफ्यूज में रहते हैं कि वो वैस्कुलर बंडल, रेडियल वैस्कुलर बंडल का मीन जानते हैं, कई बच्चे समझ लेते हैं कि अल्टरनेट वे में वीबी होंगे, वीबी नहीं होते हैं, बिल्कुल है ना भाई, जाइलम फ्लोएम टुगेदर फॉर्म वीबी, मैंने कहा था ये भी टुगेदर है और ये भी टुगेदर है, सही। अब आपको देखिएगा कि यहाँ पर आपको ऐसे बताया कि भाई ये आपको ऐसे बताया कि प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम, फिर ये फ्लोएम, फिर ये प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, फिर ये फ्लोएम, बताया ना भी आपको, तो ये अल्टरनेट में कौन है, डिफरेंट रेडियस पे, जाइलम फ्लोएम लाइज ऑन डिफरेंट रेडियस इन अल्टरनेट मैनर, तो देखिएगा जाइलम फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम, इस वे में अल्टरनेट मैनर में, बेसिकली अल्टरनेशन यहां पर जाइलम फ्लोएम बनने की वैस्कुलर बंडल है, हां वैस्कुलर बंडल तो एक के बाद में आ ही रहे, हां हां, तो आप समझ रहे हैं कि जाइलम फ्लोएम का अल्टरनेट है और एक्सार्क जाइलम है, तो ये कंडीशन आपकी होगी कि जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज अल्टरनेट मैनर ऑन डिफरेंट रेडियस, तो किसको शो करेंगे, रेडियल वीबी को, और ये रेडियल वीबी ऑलवेज और ऑलवेज किस में होते हैं, रूट में, चाहे वो डाइकोट हो चाहे मोनोकोट हो, मोनोकोट हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, गिव बिलो वैस्कुलर बंडल इज, नीचे दिया गया सेवन पुल है, तो देखो यहां पर वही, ये यहां पे हो गया अपने पास में जाइलम, ये अपने पास में फ्लोएम है, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पर है, इसका मतलब ये बेसिकली यहां पे रूट वाली कंडीशन है जो कि रेडियल में होती है, रेडियल वीबी, समझ चुके हैं अपन। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, इन ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकोट रूट, बिल्कुल अपने यहां डाइकोट रूट की बात करनी है, द प्रोटोजाइलम वेसल आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरल एंड मेटाजाइलम वेसल आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर, ओके द प्रोटोजाइलम वेसल आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर, तो यहां पर हो गया भी, यहां पर जो डाइकोट रूट है उसमें कुछ इस तरीके से अपन कंडीशन शो करते हैं कि इसके अंदर अंदर की तरफ तो होता है मेटाजाइलम और बाहर की तरफ होना प्रोटोजाइलम। सीधी सी बात, अगर अपन क्रॉस सेक्शन लेंगे तो पेरिफेरी रीजन में, जो पेरिफेरी रीजन है वहां आपका प्रोटोजाइलम होगा, और फिर आप जानते हो सेंटर की ओर आओगे तो वहां पर क्या आएगा, मेटाजाइलम, और अगर ऐसे जाइलम के कंपोनेंट अरेंज हो तो इसको आप क्या कहते हैं, एक्सार कंडीशन कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सार कंडीशन। जिसमें आप देखिएगा कि द प्रोटोजाइलम वेसल आर प्रेजेंट टुवर्ड द पेरिफेरी एंड द मेटाजाइलम वेसल आर प्रेजेंट टुवर्ड द सेंटर, यानी आदि धारुवाहिकाएं परिधि की ओर, वो अनुधारुवाहिका केंद्र की ओर होती है, तो सीधा सा आपका क्वेश्चन का आंसर क्या है, फर्स्ट आंसर, शुरुआत में इसको एक्सप्लेन कर दिया था। तो बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन देखो, ऐसे आप अगर टॉपिक को ढंग से पढ़ लेते हैं और अच्छा आप करें तो क्वेश्चन आपके उसी वे में चलते हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम वे में है, फुली एनसीईआरटी बेस्ड आपका है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न तत्वों पर विचार कीजिए, एडेक्शियल एपिडर्मिस ऑफ डॉर्सल वेंट्रल लीफ यूजुअली हैज
मोर स्टोमेटा, नहीं, जो डाइकोट लीफ है उसमें स्टोमेटा ज्यादा नीचे की तरफ होते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं एबेक्शियल, नॉट एडेक्शियल. द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इन ए डाइकोट रूट इस एंडोडर्मिस. तो बिल्कुल अपन कह सकते हैं कॉर्टेक्स की तीन लेयर होती है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस. इन ए डाइकोट रूट द फ्लोएम मास आर सेपरेटेड फ्रॉम द जाइलम बाय द कंजक्टिव टिश्यू. डाइकोट रूट के अंदर जो फ्लोएम है और जो जाइलम है वो कंजक्टिव टिश्यू से डिफरेंट होते हैं. बिल्कुल अपने पास में सही स्टेटमेंट है. बिल्कुल, तो आप ध्यान दीजिएगा इसका आंसर की बात अपन बात करेंगे. बिल्कुल, यहां पे ए रॉन्ग है, बी और सी सही है. बी और सी सही है. हां, सीधी सी बात है कि भी देखिएगा यहाँ एडेक्शन एपिडर्मिस और डोर्सिमेंटल लीफ यूजुअली हैव मोर स्टोमेटा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वहां तो जो ये डाइकोट लीफ होगी वो हॉरिजॉन्टल अरेंज होगी, बिल्कुल अनइक्वल लाइट होगी, तो मेजोफिल डिफरेंशिएट हो जाएगा. तो इस साइड आपका पेनिसाइड पेरेन्काइमा होगा. जब पेनिसाइड पेरेन्काइमा साइड इंट्रासेलुलर स्पेस ही नहीं होंगे तो स्टोमेटा होगा ही नहीं, और जिस साइड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होगा वहां आपकी कैविटी बनेगी, तो वहां पे लार्ज कैविटी होती है प्रेजेंट होगा. क्लियर, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया. द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इन डाइकोट एंडोडर्मिस. आप समझ सकते हैं कि कॉर्टेक्स की थ्री लेयर होती है. जनरली आइडल कंडीशन में थ्री की थ्री लेयर प्रेजेंट होती है डाइकोट स्टेम में. हाइपोडर्मिस आउटर मोस्ट, जनरल कॉर्टेक्स जीसी, और फिर आपका होता है एंडोडर्मिस. अब आप समझ सकते हैं रूट में अपन देखा हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है, लेकिन वहां कॉर्टेक्स और क्या होता है एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस इनर मोस्ट होगा और हाइपोडर्मिस क्या होगा आउटर मोस्ट आपका होगा अगर प्रेजेंट है तो. वो डाइकोट स्टेमिंग रूट में नहीं होता है, फिर भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है. इन डाइकोट रूट द फ्लोएम मासेस आर सेपरेटेड बाय द जाइलम कंजक्टिव टिश्यू. आप अच्छे से जानते हैं कि डाइकोट रूट का अपन क्रॉस सेक्शन वहां देखेंगे तो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, फिर यहाँ आप जानते हैं कि ये फ्लोएम है, तो यहाँ आपका कंजक्टिव टिश्यू होगा. दोनों के बीच का जो टिश्यू है कंजक्टिव टिश्यू है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी बहुत बहुत हेल्प करेगा डाइकोट रूट के अंदर. तो आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट आप देखिएगा. हाँ, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6. व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर ऑन सेपरेट रेडियस सच वैस्कुलर बंडल. पहले अपन क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं रेडियल आप रेडियल जो कि रूट पर मिलता है. बिल्कुल, और रूट का वो एग्जांपल होगा. नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7. पैसेज सेल आर थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स एंड फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्रोटोजाइलम. दीज आर फाउंड इन पेरिसाइकल कॉर्टेक्स मेडुलरी रेस या एंडोडर्मिस. तो बेसिकली जो एंडोडर्मिस है उस एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरल स्ट्रिप्स पाई जाती है सेल्स के अंदर, लेकिन वो सेल जिसमें कैस्पेरल स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती उन्हें हम लोग कॉल देते हैं पैसेज सेल. तो यहाँ पर करेक्टर है एंडोडर्मिस का. बिल्कुल, आप समझ रहे हैं कि भी एंडोडर्मिस में जो कैस्पेरल स्ट्रिप होती है तो एंडोडर्मिस में जो सेल्स आपकी होती हैं, आप समझ रहे हैं कि रेडियल और इनर वॉल पे, रेडियल और इनर वॉल पे थिकनिंग होती है सुबेरिन की, तो वो तो आपकी कैस्पेरल स्ट्रिप होती जाती है. बिल्कुल, और वाटर के लिए इम्परमेबल है. फिर आप जानते हैं बीच में कुछ ऐसी सेल्स आती हैं जहाँ ये सुबेरिन का डिपोजिशन एब्सेंट होता है, तो उनको आप क्या कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप में ये पैसेज सेल होगी. बिल्कुल, पैसेज सेल और टुवर्ड इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम के सामने स्थित आपकी होगी ताकि पानी सीधा जाइलम में एंटर कर जाए. हाँ, तो आप समझ रहे हैं कि ये कुछ आपका वहां कांसेप्ट होता है, तो वो एंडोडर्मिस का ही पार्ट होता है. नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8. द वैस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकोट रूट. बिल्कुल, देखिए बेटा एक चीज अपने क्लियर है 100% कि भी रूट्स के अंदर वीबी का जो टाइप होगा ना वो रेडियल वीबी होगा. बिल्कुल, चाहे वो डाइकोट मोनोकोट, डाइकोट हो चाहे मोनोकोट, आइदर डाइकोट और मोनोकोट दे हैव रेडियल वीबी. और जाइलम का एक्जार्क कंडीशन आपकी होगी एक्जार्क जाइलम. इसका मतलब ये है कि जो प्रोटोजाइलम वो बाहर की तरफ होगा. बिल्कुल, ये दो चीज तो आपकी सेम है. बिल्कुल, अब आप जैसे क्रॉस सेक्शन लेंगे तो पेरिफेरल रीजन की ओर क्या होगा प्रोटोजाइलम. बिल्कुल, और सेंट्रल रीजन की ओर क्या होगा मेटाजाइलम. क्लियर, एंड अल्टरनेट वे में जाइलम फ्लोएम वो आप जानते रेडियल वीबी जानते हैं. अब आप समझ रहे हैं कि ये जो ऑर्डर आपका हो गया, क्योंकि जो फॉर्मेशन आपका होगा वो आउटर टू इनर आपका होगा. yes, आप समझ रहे हैं कि पेरिफेरी टू सेंटर की ओर आपका होगा, तो वो कंडीशन आपकी होगी सेंट्रीपिटल. बिल्कुल, सेंट्रीपिटल. क्लियर, और आप समझ सकते हो कि मेटाजाइलम में क्या होता है कि मेटाजाइलम में जो फॉर्मेशन सेंटर से स्टार्ट होता है और फिर आप जानते हैं कि मतलब उधर पेरिफेरी की ओर जाता है. जैसे आप जानते हैं कि इसमें एंडार कंडीशन जो होती है, एंडार में देखो यहाँ मेटाजाइलम है, जैसे ये वीवी है, कॉन जॉइंट कोलेटरल ओपन, आउटर फ्लोएम, फिर इनर आपका जाइलम. अब ये फ्लोएम है मान लो, उसके बाद ये जाइलम है, तो जाइलम में देखो यहाँ मेटाजाइलम है और ये आपका प्रोटोजाइलम है, तो मेटाजाइलम वहाँ पेरिफेरल रीजन की ओर है, तो ये आपका ऑर्डर हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल. सेंट्रीफ्यूगल ये दोनों आपको अच्छे याद है. ये एंडार्क कंडीशन हो गई, ये एंडार्क हो गई, और ये आप जानते हैं कि एक्जार्क कंडीशन हो गई. अब बात ये आती है बेटा कि भी डाइकोट मोनोकोट रूट में तो जो रेडियल वीवी है सेम है,
लेकिन नंबर ऑफ वीबी डायकोट मोनोकोट में अलग अलग है। डायकोट रूट में आप समझ सकते हैं कि 2 से 4 डायर या टेटार्क या 6 तक आपके हो सकते हैं डायकोट रूट के अंदर, है ना, 6 तक। अब 6 या मोर देन 6 अगर अपन बात करें, यानी पोलियार्क अगर कंडीशन की अपन बात करें, तो पोलियार्क कंडीशन किसमें होती है, मोनोकोट रूट में होती है बिल्कुल, और उसकी पृथ्वी ज्यादा डेवलप होती है। तो सीधा सा यहाँ पर होगा कि डायार्क को हेक्जार्क लेकिन सेंट्रीफ्यूगल, तो ये देखो यहाँ रॉन्ग हो गए। पोलियार्क सेंट्रीपिटल यहां तक तो सही, लेकिन कौन जॉइंट कोलेटरल, तो ये तो आप जानते हैं स्टेम का कैरेक्टर आ गया। कौन जॉइंट कोलेटरल ओपन क्लोज ओनली स्टेम का मतलब ये है कि जाइलम फ्लो में एक ही रेडियस पर है, वो सिर्फ टेटार्क एक्जार्क, ये आपका डायकोट रूट का हो गया। क्वेश्चन में आपसे मोनोकोट रूट पूछा है, तो रेडियल सेंट्रीपिटल और पोलियार्क, तो आपका क्वेश्चन आपका आंसर क्या होगा, 4। पोलियार्क का मतलब मोर देन 6, बिल्कुल, तो आपका आंसर क्या होगा, 4। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ट्रू अबाउट ए मोनोकोट लीफ, एक बीज पत्री, पत्ती के संदर्भ में क्या सत्य है, रेटिकुलेटेड वेनेशन, नो, जो जालिका व छिद्रविन्यास होता है इस तरीके से, वो बेसिकली जो डाइकोट लीफ है उसमें पाया जाता है, लेकिन मोनोकोट लीफ में होता है। एब्सेंस ऑफ बुलिफॉर्म सेल फ्रॉम एपिडर्मिस, नो, जो मोनोकोट लीफ है उसकी जो ऊपर वाली एपिडर्मिस है उसमें लंबी लंबी सेल्स पाई जाती है, जिसको बोलते हैं बुलिफॉर्म सेल। और बुलिफॉर्म सेल से क्या होता है, जो लीफ उसमें इस तरीके से कोइलिंग और डीकोइलिंग होती है ताकि ट्रांसपिरेशन को मेंटेन किया जा सके। अगर मान लो लीफ इस तरीके से ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, अगर लीफ में कोइलिंग होगी तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। मेसोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी टिश्यू, बिल्कुल, क्योंकि पैलिसेड एंड स्पंजी टिश्यू के अंदर डिफरेंशिएशन जो है वो डाइकोट लीफ में होता है, मोनोकोट में नहीं होता। मोनोकोट में यहां पर क्या है कि जो एडेक्सियल एपिडर्मिस है, जो एबेक्सियल एपिडर्मिस है, दोनों के बीच में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पंजी टाइप का जो टिश्यू है वो ही प्रेजेंट होता है। वेल डिफरेंशिएटेड मेसोफिल नहीं, वेल डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है जिसमें पैलिसेड भी हो, जिसमें स्पंजी भी हो, वो डाइकोट में होता है, न कि मोनोकोट। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, थर्ड, बिल्कुल सीधी सी बात है। डाइकोट लीफ जो होती है हॉरिजॉन्टल अरेंज होती है, अनइक्वलाइट होती है, वहां डाइकोट लीफ के अंदर मेसोफिल डिफरेंशिएट होकर पैलिसेड और स्पंजी में डिफरेंशिएट हो गया। लेकिन मोनोकोट लीफ आप जानते हैं बिल्कुल आप समझ रहे बेटा कि वर्टिकल आपकी अरेंज होती है और वहां अनइक्वलाइट ही नहीं होती, मेसोफिल डिफरेंशिएट नहीं होता है। तो यहाँ सीधा सा आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, इन डायकोट स्टेम स्टार्च शीट इज इक्विवेलेंट टू, द्विबीजपत्री तने में स्टार्च आचत किसके तुल्य है, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, बंडल शीट या बंडल कैप। तो अपन यहां बता सकते हैं इजीली एंडोडर्मिस, क्योंकि यहां पे स्टार्च का डिपोजिशन होता है। भाई एक्सेस में स्टार्च जो ग्रेन होते हैं वो स्टोरेज होता है, जैसे जो डाइकोट स्टेम की जो एंडोडर्मिस है वो अपन कहें कि भी रूट में तो कैसे स्ट्रिप, लेकिन स्टेम में अपन कैसे स्ट्रिप को तो कंसीडर करेंगे नहीं, और वहाँ एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टार्च ग्रेन की स्टोरेज हो आपका होगा। तो ये जो डाइकोट स्टेम की जो एंडोडर्मिस होती है उसको अपन क्या कहते हैं, स्टार्च सीथ कहते हैं, बिल्कुल स्टार्च सीथ, स्टार्च आच्छद, ये एक यूनिक कैरेक्टर है। तो आप जानते हैं कि वो एंडोडर्मिस स्टेम के अंदर, क्लियर, और वहाँ रूट के अंदर जो एंडोडर्मिस होती है तो वहाँ तो आप समझ सकते हैं कि जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं, पैसे सेल्स होती हैं, वैसे आपका अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, इन डॉर्सी वेंट्रल लीव्स, इसका मतलब यहाँ पर डाइकोट लीफ की बात करें, स्टोमेटा अकर्स, पृष्ठाधारी पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, मोर ऑन अपर पेरिसेट कंटेनिंग सरफेस एंड लेस ऑन स्पंजी पेरेन्काइमा कंटेनिंग सरफेस, fewer on upper surface and more on lower surface, equal on both। अपने को पता है कि जो dorsal ventral leaf है इसके अंदर stomata जो है वो नीचे की तरफ पाए जाते हैं mainly, और क्योंकि stomata नीचे की तरफ पाए जाते हैं इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं hypostomatic leaf। hypostomatic leaf आपकी होगी, तो आप जानते हैं कि सीधी सी बात है, यहाँ पर देखें more on upper palisade containing और less, ये तो wrong हो जाएगा, हाँ, और fewer on upper surface, more on lower surface, ये आपका करेक्ट हो जाए, इक्वली नहीं है, ये तो मोनोकोटिक होता है, तो आइसोबायलेटरल की बात होगी, एम्पिस्टोमेटिक बात होगी। सीधी सी बात होती है बेटा कि भी अपन बार बार वही कंसेप्ट आपको बार बार बता रहे हैं, 100% आपको क्लियर कर देते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि ये मोनोकोट, ये डाइकोट लीफ, सॉरी डाइकोट लीफ की एपिडर्मिस है। अब डाइकोट लीफ हॉरिजॉन्टल अरेंज होती है, अनइक्वल लाइट होती है, जब आप जानते हैं कि इस सरफेस पे आपकी लाइट ज्यादा होती है तो इस साइड आप जानते हैं कि आपका पैलिसेड पेरेन्काइमा होता है, जिस साइड पेलिसेड पेरेन्काइमा होता है तो पेलिसेड पेरेन्काइमा में आप जान सकते हैं कि किसी भी रूप में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं, क्लोरोप्लास्ट वहां बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ताकि वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करती है, बट गैसेस एक्सचेंज क्या होगा, बहुत कम होगा। और फिर आप समझ सकते हो कि ये ऐसे पेलिसेड पेरेन्काइमा हो गया,
फिर आप जानते हैं कि वहां स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होता है तो इधर कैविटी बनती है, तो इस साइड आप जानते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस अच्छे से है, तो यहाँ स्टोमेटा लोअर पे या तो अपर पे एब्सेंट ही होंगे और या कुछ फ्यू नंबर में पॉसिबल है, बट लोअर सरफेस पे जो अबेक्सियल है उस पे स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, तो आप जानते हैं कि वो इसलिए आपके हाइपोस्टोमेटिक है, डोर्सीवेंट्रल हाइपोस्टोमेटिक अधोरंध्री हाइपोस्टोमेटिक। तो ये आपका कंसेप्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने पास में यहाँ पे डाइकोट स्टेम का डायग्राम है, इसमें अपने को सब अल्फाबेट्स को देखना है। ए देखो यहाँ पर हेयर है, और जहां पर स्टेम का हेयर है उसे हम लोग बोलते हैं ट्राइकोम्स, जो कि कैसा होता है, मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच हो सकता है, एपिडर्मल हेयर हो गया, एपिडर्मल हेयर हो गया। और बी यहाँ पर वो लेयर है जिससे निकला हुआ है, तो बी यहाँ पर क्या होगी, एपिडर्मिस। उसके बाद में सी नेक्स्ट लेयर है, तो सी यहाँ पे हाइपोडर्मिस हो गई, और वो हाइपोडर्मिस बनती है कोलेनकाइमा से, तो यहाँ पेरेनकाइमा आ गया, गलत हो गया, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा रॉन्ग हो गया। उसके बाद डी यहाँ पे कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स किससे बनता है, पेरेनकाइमा से बनता है, तो बिल्कुल यहाँ पे पेरेनकाइमा आ गया। स्टार्च शीट जो है वो एंडोडर्मिस के अंदर होता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा नहीं। ओके फिर इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे कंटिन्यू जो भी आप देख रहे हो, ई यहाँ पर क्या है, ई अपने पास में आ गया इसमें एंडोडर्मिस। उसके बाद में एफ, एफ यहाँ पर नेक्स्ट लेयर है, ये पेरिसाइकल हो गई। जी यहाँ पर वेस्कुलर बंडल हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो एच है, एच यहाँ पे क्या, मेंडल रेस, और लास्ट में आई है, आई बीच बिल्कुल बीच में किसको शो करता है, डायकोट स्टेम में मोर डेवलप होता है पिथ, तो यहाँ पे आंसर हो गया मेडल या मज्जा, करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो गया, बिल्कुल। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए बेटा, दिस इज द सेंट्रल मोस्ट टिश्यू इन डायकोट स्टेम, द्विबीजपत्री तंत्र में केंद्रीय ऊतक कौन सा, बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि भी पिथ है, जाइलम है, फ्लोएम है या पेरिसाइकल, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पिथ, पिथ सुविकसित होता है, बिल्कुल। आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल पोर्शन आपसे पूछा डायकोट स्टेम का, तो आप समझ सकते हैं कि बताया कि जैसे ये एपिडर्मिस है, जस्ट नीचे आप जानते हो कि हाइपोडर्मिस है, जनरल कॉर्टेक्स है, फिर आप जानते हैं बेटा कि एंडोडर्मिस है, स्टार्च शीट की बात कर लेंगे, फिर आप जानते हो इसका क्या आ जाएगा, पेरिसाइकल, तो पेरिसाइकल से यहाँ ऐसे वीबी, ये वीबी होते हैं, क्लियर, और सारे वीबी सेम रेडियस के होते हैं, और आप जानते हैं कौन जॉइंट कोलेटरल ओपन, और सेम साइज के होते हैं, सिमिलर साइज, तो ये आपकी क्या होती है, पेरेंटल, ये पिथ होती है, और यहाँ पे आपकी होती है मेडुलरी रेंज, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे आपका, तो सेंट्रल पोर्शन आपका क्या हो गया, पेरेंकाइमेटस पिथ हो गया, और ईटीएस जीटीएस और वीबी, और आप जानते हैं कि ये समझ रहे हैं, तो इस फॉर्म में आपका हो गया आंसर पिथ, आपका इसका हो गया। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टील, कौन सा रम का भाग नहीं है, तो स्टील का मतलब यहाँ पर ये है कि पेरिसाइकल एंड पेरिसाइकल के अंदर का जो पार्ट है उसे हम स्टील बोलते हैं, स्टील में बोलते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि कोर्टेक्स पार्ट नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि कोर्टेक्स एक्स्ट्रा स्टीलर पार्ट है, यस यस, एक आपका होता है स्टीलर पार्ट, एक होता है एक्स्ट्रा स्टीलर, बिल्कुल। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, उसके बाद आप जानते हैं कि हाइपोडर्मिस हो, मान लो डायकोट स्टेम में, एंडोडर्मिस हो, और फिर आप जानते हैं कि पेरिसाइकिल आता है, तो पेरिसाइकिल से जो आउटर पार्ट होता है एक्स्ट्रा स्टीलर, उसको आप कहते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर, हाँ हाँ बिल्कुल, और पेरिसाइकिल जो इनर साइड आपका पार्ट होता है, दैट इज स्टीलर पार्ट, स्टीलर पार्ट, स्टीलर पोर्शन होता है, जहां पिथ पित्रेज और जो वीबी आपके होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग टर्म्स, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, अब्सेंस ऑफ फ्लोएम पेरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट, प्रेजेंस ऑफ कैविटी इन प्रोटोजाइलम लाइक वाटर कैविटी, तो ये सब यहाँ पे कैरेक्टर किसके, अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मोनोकोट की स्टेम है उसमें कंडीशंस पाई जाती है, बिल्कुल। तो आपका आंसर इसका क्या होगा, सेकंड, सीधी सी बात है, बिल्कुल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है मोनोकोट स्टेम में, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट होते हैं, बिल्कुल, और प्रेजेंस ऑफ कैविटी इन प्रोटोजाइलम लाइक वाटर कैविटी, बिल्कुल। सीधी सी बात है बेटा कि जो मोनोकोट स्टेम होता है उसके अंदर जैसे एपिडर्मिस, उसके पश्चात उसकी जो हाइपोडर्मिस होती है स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप समझ सकते हैं कि मोनोकोट स्टेम में जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है अनडिफरेंशिएटेड है, अब अंदर इसका मीन है कि भी जो कॉर्टेक्स है उसके पश्चात अपन एंडोडर्मिस की बात करते हैं, पेरिसाइकिल है, पिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं इसमें, क्योंकि जीटीएस है ही नहीं, जीटीएस डिफरेंशिएट नहीं, जो डिफरेंट लेयर में जीटीएस डिफरेंशिएट है ही नहीं, बल्कि वहां केवल पेरेन्काइमा की लेयर्स है, पेरेन्काइमा की लेयर्स, और जो वीबी होते हैं वो स्कैटर्ड है, वीबी बिखरे हुए हैं, तो जो लार्ज वीबी होते हैं वो तो होते हैं पेरिफेरल रीजन की ओर, बिल्कुल, आप समझे, सॉरी स्मॉल वीबी जो होते हैं वो तो पेरिफेरल रीजन की ओर, जो लार्ज वीबी होते हैं वो सेंट्रल पोर्शन की ओर होते हैं, वहां आप समझ सकते हैं
कि वीबी कौन जॉइंट कोलेटर क्लोज होते हैं और यहाँ आप समझते हैं स्क्लेरल कैमाइकुलम पे कवरिंग होती है, स्क्लेरल काइमेटस कवरिंग आपकी पाई जाती है। तो मोनोकोड स्टेम के आप स्ट्रक्चर देखोगे और फिर आप जानते हो कि वहां जब एंडार्क जाइलम होता है तो जाइलम जो प्रोटोजाइलम है तो प्रोटोजाइलम की कुछ साइज डिजोल्व हो जाती है और वाटर कैविटी आपकी फॉर्म होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका कैरेक्टर है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर सेकंड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। इन गिवन डायग्राम स्ट्रक्चर ए एंड बी रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली। ओके, ये यहाँ पर ए है तो अपने को जो पहली सेट टिश्यू उसको शो कर रहा है और बी यहाँ पर जो है वो अपने पास में हो गया स्पंजी। लेकिन यहाँ से और आगे की बातें आपसे पूछी है कि देखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो डाइकोट लीप होती है अगर आप उसकी मॉर्फोलॉजी देखें और डाइकोट लीप आपकी हॉरिजॉन्टल अरेंज होती है, जैसे सनलाइट अनइक्वल होती है तो मेसोफिल डिफरेंशिएट होता है। तो यहाँ देखिएगा कि ये उसकी एडेक्सियल सरफेस है, एडेक्सियल सरफेस है, ये उसकी एडेक्सियल सरफेस है, क्लियर। अब मेसोफिल डिफरेंशिएट हो गया, ये पेलिसेड पैरेन्काइमा है, पेलिसेड पैरेन्काइमा, ये आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, क्लियर है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पेलिसेड पैरेन्काइमा में जब आईसीएस इंटरसेलुलर स्पेस ही नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नंबर में ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा और गैस एक्सचेंज कम होगा, क्योंकि स्टोमेटा ही नहीं, पोर ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है। और यहाँ आप समझ सकते हैं कि देखिएगा कि इंटरसेलुलर स्पेस अच्छे से है और इंटरसेलुलर स्पेस है तो यहाँ गैसेस एक्सचेंज ज्यादा होगा थ्रू स्टोमेटा और फोटोसिंथेसिस क्या होगा, कम होगा। तो सीधी सी बात देखो, यहाँ पर देखिएगा कि ए लेस फोटोसिंथेसिस हाई गैस एक्सचेंज, रॉन्ग हो जाएगा। बी हाई गैस एक्सचेंज लेस फोटोसिंथेसिस, ये तो करेक्ट है, लेकिन ए रॉन्ग हो जाएगा। ए हाई फोटोसिंथेसिस लेस गैस एक्सचेंज, ये करेक्ट है, लेस गैस एक्सचेंज बी हाई फोटोसिंथेसिस, बट ये रॉन्ग हो गया। फिर आप थर्ड देखिएगा, हाई फोटोसिंथेसिस लेस गैस एक्सचेंज, ये बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट, हाई गैसेस एक्सचेंज लेस फोटोसिंथेसिस। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन 100% यहाँ पर करेक्ट है, दोनों का सही मैचिंग आपको की गई है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। वेल डेवलप्ड पिथ इज सीन इन। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, पिथ जो है अगर रूट की बात करो तो डेवलप होती है मोनोकोट में, स्टेम की बात करो तो डाइकोट में, डाइकोट में। तो मोनोकोट रूट एंड मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट रूट में अगर आप देखो तो यहाँ पर बिल्कुल डेवलप है, लेकिन जो मोनोकोट स्टेम है यहाँ पे तो टिश्यू डिफरेंशिएट हो गया। डाइकोट रूट नो, मोनोकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो अपन जब डिफरेंसेस वहां पढ़ते हैं मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट के अंदर, तो सीधी सी बात है कि मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में तो यहाँ जो वीबी तो एक ही टाइप के होते हैं रेडियल वीबी, लेकिन नंबर अलग अलग होता है, पोलियार कंडीशन होती है, यहाँ डायर मतलब यह टेटार्क होती है, तो पिथ अच्छे से डेवलप, वहां डायग्राम पिथ ज्यादा डेवलप किसमें होती है, मोनोकोट रूट में, रूट में किसमें ज्यादा डेवलप होगी, मोनोकोट में। और स्टेम में तो आप जानते हो पिथ प्रेजेंट किसमें होती है, डायकोट में होती है, क्योंकि अभी आपने बताया था कि मोनोकोट स्टेम में तो जो मेसोफिल है वो डिफरेंशिएट है ही नहीं, बिल्कुल, तो वहां पर मेसोफिल डिफरेंशिएट नहीं है, क्लियर। तो यहाँ आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि मोनोकोट रूट एंड डायकोट स्टेम, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। पेलिसेड पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन खंभ मर्दू तक कहाँ पाया जाता है, डायकोट लीफ में, मोनोकोट लीफ में, डायकोट रूट में, नो। तो बेसिकली अभी बात की थी अपने डायकोट लीफ में होता है, ऊपर की तरफ होता है। जो लीफ होती हैं वो दो टाइप की आपकी होती हैं, डोर्सी वेंट्रल पृष्ठाधारी एंड आइसोबायलेटरल समद्विपार्श्व, बिल्कुल आइसोबायलेटरल समद्विपार्श्व, डायकोट की ये मोनोकोट, बिल्कुल सही है, ये डायकोट मोनोकोट, क्लियर। अब आप जानते हैं कि मेसोफिल है ना, मेसोफिल वो मेसोफिल जो प्रण मध्य तक है उसका जीटीएस है, बिल्कुल। ये मेसोफिल डिफरेंशिएट डाइकोट में होता है, पेलिसेड पैरेन्काइमा में और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो ओनली क्या होता है स्पॉन्जी, यानी मेसोफिल नॉट डिफरेंशिएट, बिल्कुल मेसोफिल नॉट डिफरेंशिएट, नॉट डिफरेंशिएट, यहाँ आप जानते हैं कि वो डिफरेंशिएट होता ही नहीं है, क्लियर, सीधी सी बात है। तो आपका आंसर क्या होगा, डाइकोट लीफ, डोर्सी वेंट्रल लीफ। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बंडल सीथ ऑफ मोनोकोट लीव्स, तो सिमिलर इज दैट ऑफ मोनोकोट स्टेम एज बोथ ऑफ देम, बिल्कुल। तो आप समझ सकते हो बंडल सीथ क्या होता है कि जब वीबी के चारों एक्स्ट्रा कवरिंग हो, बिल्कुल, तो सीधी सी बात है कि पोजेस आउटर लेयर ऑफ पोलोरेन्काइमा एंड इनर लेयर ऑफ थिक वॉल्ड विदाउट क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल रॉन्ग है, रॉन्ग है। पोजेस एक्सटेंशन मेड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, एक्सटेंशन भी नहीं है। रिसेम्बल द एंडोडर्मिस इज पोजेशन ऑफ कैस्परिस रूट में हो गई, ये भी गलत हो गया है ना, लेकिन एनसर्कल द वेस्कुलर बंडल विच आर कॉन जॉइंट कोलेटरल, सीधी सी बात है कि यहाँ तक तो सेम है, चाहे स्टेम हो चाहे लीफ हो, वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट ही होगा, यानी फ्लोएम और जाइलम सेम रेडियस पे, बिल्कुल। फिर आप जानते हो कोलेटरल यानी आउटर फ्लोएम, आउटर फ्लोएम और इनर जाइलम।
अब कौन जॉइंट कोलेटरल आपको दो टाइप के बताए थे अपने, ओपन अगर कैम्बियम है तो ओपन, और अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो क्लोज। तो आप समझ सकते हैं कि ओनली डायकोट स्टेम में ओपन होते हैं, बाकी क्लोज ही होते हैं। तो सी 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 कौन जॉइंट कोलेटरल क्लोज, ये आपका होता है मोनोकोट स्टेम और सभी व्यूज में। तो वैस्कुलर बंडल सेम टाइप के होते हैं मोनोकोट स्टेम और आप जानते हैं कि मोनोकोट डायकोट लीव्स में, बिल्कुल। लेकिन आप जानते हैं फिर आप जानते बंडल सीथ, तो उनके ऊपर आप जानते हो कवरिंग होती है वैस्कुलर बंडल पे, क्लियर। तो लीफ में आप जानते हैं कि वो पैरेन्काइमा की हो सकती है, और आप समझ सकते हैं स्टेम में वहां स्क्लेरेनकाइमेटस होती है ताकि सेकंड ग्रोथ नहीं हो सके। तो आप समझ रहे हैं कि अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फोर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 20, बुलिफॉर्म सेल्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ। आप समझ सकते हो ना कि बुलिफॉर्म जो सेल्स होती है वो जो अपर लेयर होती है अपर सरफेस होती है, अपर एपिडर्मिस होती है, तो अपर एपिडर्मिस क्या होती है एडेक्सियल है ना, अबेक्स, बिल्कुल। और जो आप जानते हैं लोअर आपकी क्या होती है अबेक्सियल होती है, अपाक्स आपकी होती है। तो जो अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस जो वीन होती है उसके जस्ट फाइन वीन के जस्ट नीचे आपके जानते हैं स्पॉन्जी जो एम्प्टी सेल्स होती है वो आपकी होती है बुलिफॉर्म सेल्स, जो फोल्डिंग और डीफोल्डिंग करके ट्रांसपेशन को मेंटेन करती है, बिल्कुल। तो ये आपका आंसर क्या होगा एडेक्सियल एपिडर्मिस सेल्स, आंसर विल बी थर्ड, बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, मेडुलरी रेस आर फॉर्मड बाय द मज्जा रश्मियों का निर्माण किसके द्वारा होता है, radially placed parenchymatous cells between vascular bundle, longitudinally placed parenchymatous cells between vascular bundle, laterally placed parenchymatous cells between vascular bundle, या obliquely placed। अपने को पता है कि जो radially placed होती है यहाँ पर उसे हम लोग बोल देते हैं medullary rays। medullary rays आप समझ सकते हैं कि जैसे dicot stem होता है, तो dicot stem मान लो कि ये pericycle है, मैं stellar part बता रहा हूँ, बिल्कुल। ये आपके VB होते हैं, जो भी VB है dicot stem में वो similar size के होते हैं, और कौन जॉइंट कोलेटरल ओपन होते हैं डायकोट स्टेम के अंदर और सिमिलर साइज के होते हैं, और कौन जॉइंट कोलेटरल ओपन, यहाँ कैम्बियम आपकी होती है, तो एक ये यूस्टिलिक रिंग फॉर्म करते हैं, और यहाँ आपकी होती है पिथ, बिल्कुल। और अब इनका जो एक्सटेंशन रेडिली ये एक्सटेंशन है ये आपकी होती है मेडुलरी रेज, जो कि पैरेन्काइमेटस है, पिथ का एक्सटेंशन है वो मेडुलरी रेज होती है। तो आप जानते हैं कि रेडियली ये लॉन्गेटेड आपकी होती है, बिल्कुल। तो आंसर आपका क्या हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, ए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डायकोट स्टेम द सिक्वेंस ऑफ टिश्यू फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड इज फ्लोएम फैलम, ये सब यहाँ पे तुम्हें पता है कि डायकोट स्टेम सबसे पहले यहाँ पे हो गया फैलम जो कि यहाँ पे कोर्क होता है, और फैलम के बाद अगर आप नीचे की तरफ आते हो तो फैलम के बाद में यहाँ पे क्या हो गया अपने पास में, अच्छा इसमें फैलम है, फैलम के बाद फ्लोएम, फ्लोएम के बाद में यहाँ पे एंडोडर्मिस नहीं आएगा, फैलम, फैलम के बाद में पेरिसाइकल, उसके बाद में एंडोडर्मिस नहीं आएगा, तो एंडोडर्मिस पहले आ जाता है, पेरिसाइकल, फैलम, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर हो गया फोर्थ, बिल्कुल भाई। देखो यहाँ सीधी सी बात है बेटा, यहाँ आपको दिमाग लाना कंसेप्ट के ऊपर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ भाई। आप जानते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो वहां ओनली आप जानते हैं प्राइमरी ग्रोथ है, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्राइमरी टिश्यूज है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर अपन डायकोट स्टेम की शो करें ना, तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर मोस्ट आपका क्या होगा एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे आपका क्या होगा कोलेनकाइमेटस, हाइपोडर्मिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर आप जानते हैं कि पैरेन्काइमेटस जनरल कॉर्टेक्स, फिर आपका आ जाएगा स्टार सीथ, यानी जो एंडोडर्मिस है स्टार सीथ जो पैरेन्काइमेटस ही आपका होता है। फिर आप जानते हैं कि उस स्टार सीथ से जस्ट नीचे आपका पेरिसाइकिल होगा, पेरिसाइकिल के बाद आप जानते हैं कि वेस्कुलर बंडल इस फॉर्म में आपके अरेंज होंगे, और यहाँ आपका ये सेंट्रल पोर्शन पिथ, और ये आपका क्या होगा मेडुलरी रेज। अब आप जानते हो कि वहाँ सेकंड ग्रोथ हुई नहीं, तो यहाँ फैलम वाले को तो वैसे ही आप काट सकते हैं दोनों को। फिर आपका पेरिसाइकिल के बाद फैलम बता दिए, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। अब यहाँ देखिएगा कि आउटर मोस्ट लोअर दी नहीं, आपको एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस नहीं बताया, लेकिन यहाँ से सही है कॉर्टेक्स सही है, फिर एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकिल है, और फिर आप जानते हो कि देखो आउटर फ्लोएम है, वहाँ जो वेस्कुलर बंडल होते हैं कौन जॉइंट कोलेटर ओपन होते हैं, तो आउटर फ्लोएम इनर जाइलम। तो देखिएगा कि ये कॉर्टेक्स के बाद ये कॉर्टेक्स है, फिर आपको दे दिया एंडोडर्मिस, फिर आपको दे दिया पेरिसाइकिल, फिर आपको दे दिया फ्लोएम, और फिर आप जा ये पित्त और पित्त रेज अगर आगे देता तो फ्लोएम के बाद में कैम्बियम, फिर जाइलम, ठीक है। ये इसको पूरा सीक्वेंस वो बनाता, तो सबसे पहले एपिडर्मिस, उसके बाद आप जानते हो हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, स्टार सीथ, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, और वहां यानी वीबी दे सकता था, और फिर आप जानते हो पित्त और पित्त रेज, बिल्कुल। तो ये अपन कह सकते थे, तो ये आंसर आपका क्या हो गया फोर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, टीएस ऑफ मोनोकोट लीफ इज गिवन बिलो, सर्टेन प्लांट बीन इंडिकेटेड बाय अल्फाबेट, चूज द आंसर इन व्हिच दीज अल्फाबेट हैव बीन करेक्टली मैच्ड विद द पार्ट व्हिच दे इंडिकेट। एक बीजद्विपद पर्ण का टीएस नीचे दिया गया है, कुछ भागों का अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया गया है, इन अक्षरों को इन भागों से सही सुमेलित आपको बिल्कुल करेंगे। आप समझ सकते हैं बेटा कि जो मोनोकोट लीव्स होती है वो आप जानते हैं कि वर्टिकली अरेंज होती है, तो इक्वल लाइट होती है, तो मेजोफिल डिफरेंशिएट नहीं होता है। अपर एपिडर्मिस क्या होती है आपकी एडेक्सियल,
अपर एपिडर्मिस को अपन क्या बोलते हैं, एडेक्सियल बोलते हैं, और लोअर एपिडर्मिस को अपन क्या बोलते हैं, अबेक्सियल। आप जानते हो कि अबेक्स और अपक्स, सही। अब आप जानते हो ना कि ये तो एपिडर्मिस हो गई, जस्ट आपका मेसोफिल होता है, तो मेसोफिल वहां ओनली स्पॉन्जी होता है कि डिफरेंशिएट नहीं होता है, पूरा स्पॉन्जी है। तो देखो कि ये आपकी जो एडेक्सियल होगी, ये आप जानते हैं कि जाइलम, जो आप जानते हैं बी जाइलम है, सी मेसोफिल है, और डी यहाँ स्टोमेटल कैविटी है, और ये जी यहाँ स्टोमेटा बन रहा है आपका, ये आपका जाइलम है, वो सॉरी फ्लोएम है, एफ आपका क्या है, फ्लोएम है। तो देखिएगा कि वैसे भी मैं आपको बताऊं कि वहां ये एपिडर्मिस होती है, फिर आपका जैसे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, सीधा स्पॉन्जी पेरेन्काइमा आपका होता है, क्लियर। और जो यहाँ इस फॉर्म में होता है, फ्लोएम है ना, वो अबेक्सियल की ओर होता है, और जाइलम होता है एडेक्सियल की ओर। यस, ये अरेंजमेंट आपका होता है। तो यहाँ बता रखे ना आपको, देखो यहाँ फ्लोएम होता है, ये पहले मेटाजाइलम है, फिर प्रोटोजाइलम है, तो एंडार्क कंडीशन है, एंडार्क कंडीशन, क्लियर। तो ये आपकी जो कंडीशन आपकी होती है, आप देखिएगा कि वहां मतलब अपन कहते हैं सीधी साधी इसकी ट्रिक में आपको बता दूं कि जाइलम का वादा और आप समझते फ्री फ्लोएम का ढाबा, इट मीन फ्लोएम आपका होता है अबेक्सियल की और जाइलम आपका क्या होता है, एडेक्सियल की ओर। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट एडेक्सियल एपिडर्मिस, बी जाइलम, सी मेसोफिल, डी सब स्टोमेटल कैविटी, ई अबेक्सियल एपिडर्मिस, एफ फ्लोएम, एंड जी स्टोमेटा। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो गया, बाकी सारे कोई भी मिलान नहीं खाएंगे, है ना। तो आप समझ रहे हैं कि आंसर इसका क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24। द फंक्शन ऑफ पॉलीफॉर्म सेल इज टू, दीज आर प्रेजेंट इन सम रेस्ट्रिक्टेड ग्रास, दीज आर लार्ज एंड एम्प्टी, रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, यस परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सीधी सी बात है कि ये तो उनका कैरेक्टर है कि दीज आर लार्ज एंड एम्प्टी, ये सही है, लेकिन फंक्शन यहां से आपसे पूछा था रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, कोलिंग डीकोलिंग, फोल्डिंग इन फोल्डिंग या फोल्डिंग में आपकी हेल्प करेगी सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में, इनमें डिक्रीज करने में, स्पेशली जब वाटर अमाउंट कम रहेगी तो डिक्रीज करेगी सरफेस एरिया को फोल्ड होकर, तो रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ग्रासेज के अंदर ऐसा होता है, और जो ट्रॉपिकल ग्रासेज होती है उनमें स्पेशली आपके होती है बुलिफॉर्म सेल्स। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। व्हिच वन इज रॉन्ग अबाउट द गार्ड सेल, दे आर मॉडिफाइड ग्राउंड टिश्यू, दे आर क्लोरोफिलस, इट्स आउटर वॉल इज थिन एंड इनर वॉल इज हाईली थिकेंड, दे रेगुलेट स्टोमेटल मूवमेंट फॉर ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। तो बिल्कुल अपने को यहाँ पे इसमें रॉन्ग पूछा है, तो दे आर मॉडिफाइड ग्राउंड टिश्यू, नो, गार्ड सेल तो एपिडर्मिस के ऊपर होती है, तो ग्राउंड टिश्यू कैसे हो सकती है। क्लोरोफिलस अपमात्र के वहां क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन उसमें रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है। इट्स आउटर वॉल इज थिन एंड इनर वॉल इज हाईली थिकन। बिल्कुल आप जानते हैं कि ये फॉर्म आपको हो गया, लेकिन दे रेगुलेट स्टोमेटल मूवमेंट फॉर ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। बिल्कुल, तो ये आप जानते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा रॉन्ग, तो रॉन्ग आपसे यहाँ सीधी सी बात है कि दे आर मॉडिफाइड ग्राउंड टिश्यू, तो ये रॉन्ग आपका हो गया, बाकी आप जानते सही है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। इन लीव्स ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ मेसोफिल टिश्यू, एपिडर्मिस, गार्ड सेल, वैस्कुलर टिश्यू। तो लीफ में जो ग्राउंड टिश्यू मेसोफिल टिश्यू, सीधी सी बात है लीफ का जो ग्राउंड टिश्यू है वो मेसोफिल है। बिल्कुल, ग्राउंड टिश्यू मेसोफिल है, आप समझ रहे हैं। ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ क्या होता है, मेसोफिल। दोनों एपिडर्मिस के बीच का जो टिश्यू है वो ग्राउंड टिश्यू है, मेसोफिल, प्रणमध्य तक। अब वो बात है कि अपन बार बार बता रहे हैं कि जो मेसोफिल है वो डाइकोट में तो डिफरेंशिएट है, पहले साइड पेरेन्काइमा स्पॉन्जी, पहले साइड स्पॉन्जी है, तो ओनली किसमें है, डाइकोट। बिल्कुल, और मोनोकोट में डिफरेंशिएट नहीं है, मोनोकोट में ओनली क्या मिलेगा आपको, स्पॉन्जी मिलेगा, क्लियर। बिल्कुल, तो ये आपकी बात है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। डाइकोट लीफ डिफरेंशिएट फ्रॉम मोनोकोट लीफ इन द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री से किसमें भिन्न है, पैरेलल वेनेशन, नो, ये मोनोकोट में है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैलिसेड एंड स्पंजी पेरेन्काइमा, स्टोमेटा ओनली ऑन अपर सरफेस, नो, डाइकोट में स्टोमेटा नीचे की तरफ पाए जाते हैं, स्टोमेटा बोथ ऑन अपर एंड लोअर, नो, ये मोनोकोट में है, आंसर यह हो गया सेकंड ऑप्शन। बिल्कुल, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। इन डाइकोट लीफ एट नून व्हिच वन इज बेस्ट फॉर गैसेस एक्सचेंज फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, द्विबीजपत्री में दोपहर के समय कौन सा एक बाह्य वातावरण में गैस विनिमय हेतु अच्छा उदाहरण है। तो सीधी बात है कि पैलिसेड पेरेन्काइमा में तो इंटरसेलुलर स्पेस ही नहीं है। बिल्कुल, और ना ही वहां स्टोमेटल कैविटी है, उधर स्टोमेटा भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो जो स्पंजी पेरेन्काइमा है, स्पंजी मध्य तक, वहां पर आप जानते हैं कि आईसीएस इंटरसेलुलर स्पेस। बिल्कुल, और वहां आपकी होगी स्टोमेटल सब स्टोमेटल कैविटी, जो सब स्टोमेटल कैविटी है उपरंदरी गुहा जो है, तो कैविटी होगी, तो आप जानते हैं कि वहां गैसेज हो चाहे वाटर वेपर हो, वहां स्टोर हो जाएगी, फिर आपका डिफ्यूजन होगा। बिल्कुल, तो आराम से विसरण हो जाएगा स्टोमेटा के थ्रू, तो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के साइड। आपका आंसर सेकंड इसका है, तो आंसर विल बी सेकंड। यहां पर आप सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
और बेटा आप समझ सकते हो कि भी बहुत इंपॉर्टेंट डोर्सी वेंट्रलीन जो होती है डायकोट होती है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होने से मेजोफिल डिफरेंशिएट होता है। पेलिसेड में जब कैविटी नहीं है, आईसीएस इंटरसेलुलर स्पेस अंतरकोश के अवकाश ही नहीं है, तो उस साइड स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, नहीं होता। और स्पॉन्जी की तरफ आपके होते हैं। और मोनोकोट में आप जानते हैं बहुत सरफेस पे इक्वल इसलिए होते हैं क्योंकि वहां टोटल स्पॉन्जी होता है। तो तब जब अपन कहते हैं हाइपोस्टोमेटिक लिम्स होती है डायकोट, तो मोनोकोट आपकी होती है एम्फीस्टोमेटिक, आइसोबाइलेटरल और एम्फीस्टोमेटिक जो उभयेंद्रिय अंदर आपकी होती है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, मेज द कॉलम क्यूटिकल बुलिफॉर्म सेल स्टोमेटा एपिडर्मिस। गार्ड सेल, तो गार्ड सेल जो बेसिकली कहां पे होता है, स्टोमेटा के अंदर होता है, सिंगल लेयर। तो सिंगल लेयर की अगर आप बात करें यहां पे एपिडर्मिस की बात होती है, वैक्सी लेयर यहां पे क्या है, क्यूटिकल होगी जो ट्रांसमिशन ओकम करती है, एम्प्टी कलर में से यहां पे बुलिफॉर्म सेल है। इसी बात है भाई, सिंगल एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस पे आप जानते हो कि ऊपर आप जानते हैं कि वैक्सी लेयर जो क्यूटिन का डिपोजिशन है, क्यूटिकल लेयर आपकी हो सकती है, बिल्कुल। और बाकी आप जानते हो कि बुलिफॉर्म सेल आपका सर आपको बता दिया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, मोनोकोट रूट डिफर फ्रॉम डाइकोट रूट बिकॉज ऑफ। एक बीजपत्री मूल द्विबीजपत्री मूल से पृथक है किस कारण से, रेडियल वैस्कुलर बंडल, लो दोनों में पाई जाती है, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, तो बेसिकली लार्ज एंड वेल डेवलप्ड इसमें हो सकती है, पोलियार जाइलम, बिल्कुल सही बात है, मोनोकोट में 6 से ज्यादा होते हैं, तो आंसर यहां पे हो गया 4th, 4, 2 and 3। भाई रूट में मोनोकोट में पित्त ज्यादा डेवलप होती है, सीधी बात, एक तो ये डिफरेंस है। और देखो आपको कहा कि रूट में पहले कॉमन कैरेक्टर क्या क्या है, तो देखो दोनों रूट में वीबी का टाइप सेम है, रेडियल वीबी, बिल्कुल क्लियर, और जाइलम की कंडीशन भी सेम है, एक्सार्क जाइलम, लेकिन नंबर ऑफ वीबी डिफरेंट है नंबर ऑफ वीबी, बिल्कुल। आप समझते डाइकोट में 2 से 4 या 6 तक, और वहां आप जानते हैं मोर देन 6 एंड पोलियार का आपकी कंडीशन हो रही है, तो इसलिए आप जानते हैं कि यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। तो देखिए बेटा कि यहाँ पर ने प्लांट ऑर्गन की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है रूट स्टेम लीफ का आपका स्टडी किया, बिल्कुल। और आप समझ सकते हैं बेटा कि यहाँ प्लांट ऑर्गन का इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छे से आप देख लेंगे, एक एक लेयर्स को देख लेंगे, तो नेक्स्ट में अपन आपसे बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, बिल्कुल। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए पहले परमानेंट जो लिविंग टिश्यू होते हैं उनमें डी डिफरेंशिएशन होगा, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप होगा, और फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होगा स्टिलर पार्ट में वेस्कुलर कैम्बियम होगा, एक्स्ट्रा स्टिलर पार्ट में कोर कैम्बियम होगा, बिल्कुल। तो वेस्कुलर कैम्बियम कोर कैम्बियम में डिफरेंस क्या है, और कैसे फिर वो आप समझ सकते हैं कि वो जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो रीडिफरेंशिएट होकर सेकेंडरी टिश्यूज कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे सेकेंडरी ग्रोथ पहले स्टिलर पार्ट में, रंबी भाग में, उसके बाद एक्स्ट्रा स्टिलर पार्ट में कैसे संपन्न आपकी होगी, तो वो सारे अपन आपको टाइप के वहां अपन बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो आप सेकेंडरी ग्रोथ टॉपिक को पहले रीड करके आए, और नेक्स्ट आप जानते हैं कि अपन वहां पूरा क्लियर करेंगे किसको, सेकेंडरी ग्रोथ को। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।